पश्यतु मां नशराज हंस प्राण प्रयाण शमये कफवात पीतै कंठावरो धनविधो स्मारण वसुदेवसुतं देवं कंसचाणु रमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया सदगुरु राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मूलिये श्री रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया श्री द्वारिकाधीश की श्याम सुंदर श्री अम्बे महाराज श्री सोमनाथ महादेव अपने अपने माता पिता की सदगुरु देव की व्यास नारायण भगवान की सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज की पवन सुत हनुमान जी महाराज की ओ Thank you.
सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय द्वारकाधीश। आइए परम पावनी पतित पावनी हमारे मन को, हमारे तन को, इस वायुमंडल को, इस वातावरण को जो पवित्र करे वह भागवत कथा में हम आचमन करें। उससे पूर्व आज बड़ा ही उत्सवमय दिवस भी है हमारे भागवत जी में, कृष्ण जन्मोत्सव। आज पूरा दिन अवतारों की कथा है और बड़े भाग्य की बात है कि इस भागवत जी के मंडप में, इस पवित्र गोमती मैया के सानिध्य में, जहाँ देवकी नंदन ने 100 साल राज किया, उस पवित्र भूमि में हमारे यहाँ इस मंडप में पधारे हुए ज्योतिमा, सभी वैष्णव हृदय से उनका अपने निज हृदय मंदिर में स्थान देते हुए प्रतिष्ठित करें और दोनों तालियों से हम फिर स्वागत करें। ये हमारे इस सत्कर्म की फलश्रुति है कि कोई ऐसे महा गुरुवर्य जब सत्संग में आए, क्योंकि भागवत जी में माता जी लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म सबिर जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जब भाग्य का उदय होता है तभी हमें सद्गुरु के सानिध्य में सत्संग करने का अवसर मिलता है। तो आज बड़े भाग मानस तनु पावा ऐसे परम धाम में भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में हम उस परम चैतन्य परमात्मा का वह लावण्य स्वरूप को सुने शब्द के रूप में, क्योंकि भागवत वो परम संहिता है जो महापुरुषों के द्वारा प्रकट हुई। इसीलिए जब भी भागवत में किसी स्कंद विराम की ओर आता है तो अंत में लिखा गया पारम हंसायाम संहितायाम। जिस भागवत के सानिध्य में हम बैठे हैं वो परम हंसों की संहिता है। यह निर्मल ज्ञान, एक भागवत ऐसा शास्त्र है जो समाधि अवस्था में लिखा गया। गाया भी समाधि अवस्था में है, सुना भी गया तो समाधि लग गई परीक्षित को, क्योंकि कहने वाला स्वयं कृष्ण चंद्र परमात्मा सुखदेव जी के रूप में अपनी ही कथा गंगा नदी के तट पर परीक्षित को कहने के लिए आ गए। परीक्षित के रूप में कृष्ण ने ही अपनी कथा को सुना, इसका अर्थ यह हुआ गाने वाला भी कृष्ण, सुनने वाला भी कृष्ण। क्योंकि जब हम कथा को सुनते हैं तो शब्द और ब्रह्म के रूप में स्वयं परमात्मा कर्ण द्वार से हमारे भीतर अपनी कथा को सुनते हैं। इसलिए जब सत्संग हो तो ऐसा नियम है सावधान तया श्रुणु, हम सावधान हो जाएं, और शास्त्र भी हमें सावधान ही करते हैं।
हमारे सदगुरुओं की वाणी में इतना मिठापन है, इतनी दिव्य वाणी है कि ना तो सुनने वाले कभी थकते हैं न कहने वाले। ये महत्व है भागवत जी का। और भागवत जी के महात्मय में तीसरे अध्याय में 25वें श्लोक में लिखा है कि भागवत क्या है, जो सनत कुमारों ने कहा तो श्लोक है, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा, सदा सेव्या सदा से, इसका सेवन करो। जैसे हम पानी को पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे भागवत सेवन करने में, भागवत को सेवन करना होता है। अब सेवन किसका हो, बोले औषधि हो उन्हीं का तो सेवन होता है। पानी को पिया जा सकता है, खाना खाया जा सकता है, मगर जब सेवन करने की बात आती है तब औषधि के रूप में भागवत है। क्योंकि भवौषधि, ये भागवत हमारे भव रोग को मिटाने में समर्थ है, इसलिए इसको भवौषधि कहा गया। और सुखदेव जैसा वैरागी सिद्ध, योगियों के योगी, मुनियों के मुनि, व्यास तन या जब भागवत कहने के लिए आ गए परीक्षित को, मानो तभी परीक्षित की मुक्ति हो गई सदगुरु के सानिध्य में, फिर सुनने की भी जरूरत नहीं। मगर जीव का कल्याण हो इसीलिए महापुरुषों की वाणी प्रकट होगी। वैसे सुखदेव जी को बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और जब से जन्म हुआ तब से 16 साल की उम्र में जब वो कथा कहने के लिए आ गए, तब उनकी उम्र 16 साल बताई। तम द्वयष्टवर सकुमार पादम, 2-8 वर्ष के सुखदेव जी। अच्छा, भागवत में लिखा है तम द्वयष्टवर, 2-8 साल के, सीधा लिखा नहीं कि 16 साल की उम्र में आ गए, 2-8। अब क्यों नहीं लिखा 16 साल, सीधा ही कह देते कि भाई 16 साल की उम्र है। मगर यही जो हमारा संस्कृत ज्ञान है, जो श्लोकात्मक पठन है, वो महापुरुषों की वाणी कहती है 8 साल के बालक में विकार नहीं होते, वो विकार रहित है। अब सुखदेव जी कौन है, बोले अध्यात्म दीप मतिति तिशतां तमोंधम संसारिणां करुणयाः, संसारी लोगों को करुणा करने के लिए आ गए, बस करुणा की, ऐसे ही आ गए, ना आमंत्रण ना निमंत्रण, बस स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से स्वयं आ गए। और जब आ गए अपने हाथों से दर्भ का आसन लगाया, पद्मासन लगाकर कथा कहने के लिए बैठ गए। सुखदेव जी ने कह दिया, कबूल भी कर लिया कि परीक्षित मैं कथा कहे बिना रह नहीं सकता, उनकी जिज्ञासा इतनी है। तो परीक्षित ने कहा मैं सुने बिना नहीं रह सकता। अब दोनों की प्यास हो तभी तो मामला आगे बढ़ेगा, तभी तो आनंद की अनुभूति होगी। वक्ता जब कथा कहे तो समर्पित भाव से कहे, और श्रोता जब उनको सुने तो वो भी
समर्पित भाव से सुने, वक्ता और श्रोता। इसलिए शिव की जटा से निकलने वाली जो गंगा है, उस गंगा का नाम दिया जटाशंकरी, क्योंकि शिव की जटा से निकली है। और सुखदेव जी के मुख से जो वाणी निकली, उनको कहा गया जिह्वा शंकरी, अपने जिह्वा से प्रकट की है। अब दोनों कल्याण करते हैं, दोनों पाप का उद्धार भी करते हैं। वो जो गंगा है वो विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के कमंडल में, ब्रह्मा के कमंडल से निकल करके शिव की जटा में। इसलिए आज हरिद्वार हम जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। क्यों इतनी भीड़ क्यों लगती है? क्योंकि गंगा में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलता है, तीनों देवों का आशीर्वाद। केवल गंगा स्नान का ये फल बताया गया हमारे यहाँ। अब स्वास्थ्य अगर बढ़िया हो, अच्छा हो, तब तो हम गंगा के यहाँ हरिद्वार जा सकते हैं। मगर मान लो हमारा स्वास्थ्य ऐसा नहीं है और हम घर से निकल नहीं सकते और गंगा पान करना है, मगर कैसे करें? भगवत कृपा से संपत्ति भी है अच्छी, जो हम खर्च करके वहाँ तक जा सकते हैं, मगर स्वास्थ्य ही साथ नहीं दे रहा है, तब हम वहाँ कैसे पहुँचे? संपत्ति है, सब कुछ है, जा सकते हैं, मगर स्वास्थ्य के अधीन नहीं निकल पाते। तब कहा गया महापुरुषों के द्वारा कि भागवत को सुनो। अगर गंगा स्नान ना भी किया हो, केवल भागवत रस पी लिया हो, तो वो फल जो गंगा में स्नान करने से मिलता है जीवात्मा को, वो सहज भागवत का श्रवण मात्र से मिलता है। इसलिए जिसके घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ हो, वो घर स्वयं तीर्थ रूप है। तदगृहम तीर्थ रूपम वसताम भागवतम, जहाँ भागवत का निवास हो सकल तीर्थ वहीं आते हैं। और आज हम तो ऐसे बड़े धाम में बैठे हैं, चार धाम में, द्वारिका और वो भी गोमती के किनारे। तो गंगा और गोमती आखिरकार सब समुद्र में ही मिलते हैं, उस महा चैतन्य स्वरूप परमात्मा के स्वरूप को। आइए हम वंदन करते हुए कथा मंगल में प्रवेश करें। कल हमने प्रह्लाद चरित्र को सुना, नरसिंह भगवान का प्रागट्य जो हुआ। अब शेष कथा में हम आगे प्रवेश करें। महापुरुषों के इस पवित्र वाणी को नमन करते हुए कथा मंगल को अपने भीतर समाहित करें, क्योंकि कृष्ण कथा लहू बनकर हमारे नस नस में बहनी चाहिए। इसलिए रिपीटेडली बारंबार सदा सेविया, सदा सेविया, इनको जितना सुनो बस सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब तक लहू बनकर हमारे भीतर, हमारे नस में कृष्ण न पहुंचे। ये कथा श्रवण का ही तो फल है कि परीक्षित तक्षक आए, उससे पूर्व भगवान के धाम में चला गया। जब ये देखा सुत जी ने कि सच में परीक्षित महाराज और वैकुंठ की ओर जा रहे हैं, जो देखा है जो सुना है वही कथा कहने के लिए गोमती नदी के तट पर नैमिषारण्य में सुत जी कह रहे हैं। तीन प्रवाह में कथा चल रही है भागवत की। एक गोमती किनारे पे जहां नैमिषारण्य है, दूसरा है गंगा जी के तट पर जहां सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, और एक प्रवाह है यमुना के तट पर जहां मैत्रेयी विदुर ऋषि को, विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। तो जैसे गंगा स्नान और पान से, यमुना पान से जीव कल्याणमयी होता है, वैसे ही भागवत का पठन पाठन सुनने से हमारे भीतर स्तन देवालय को भी यह ग्रंथ पवित्र करता है। इसलिए आइए हम कथा मंगल में प्रवेश करें, सुखदेव जी और परीक्षित के इस मधुर संवाद में। अच्छा, सप्तम स्कंद जो है भागवत जी का, उसको ऊती लीला कहा गया।
तीन प्रकार की लीला है, तीन प्रकार की वासनाएं भी है, सद वासना है, असद वासना है और तीसरी मिश्र वासना। अब जो सद वासना है वो कैसे जाने कि सद वासना क्या है? भक्त जैसे भगवान को पूजे, यानी भक्त जैसे भगवान का स्मरण करता है मगर अपने भीतर कोई कामना नहीं होती, बिना कामना निष्काम भाव से की हुई भक्ति, उनको सदवासना वो कहते हैं। असदवासना ये जो कुछ भी है वो मेरा है, मैं ही भगवान हूं, अपने अहंकार को इतना बड़ा कर दो, वो असदवासना। जैसे हिरण्यकश्यपु अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और प्रहलाद की सदवासना, निष्काम भाव से भगवत भक्ति करता है प्रहलाद। और एक है मिश्र वासना, यानी जो कुछ है पहले मैं अपना लूं, शेष जो बचे वो दूसरों को मिले, पहले मैं फिर दूसरे, यह है मिश्र वासना। अब मिश्र वासना के रूप में युधिष्ठिर को देखो, असद वासना के रूप में हिरण्यकश्यपु है और सद वासना के रूप में प्रहलाद है। ये जो प्रहलाद जी का चरित्र है वहां भी वक्ता और श्रोता भिन्न है। सप्तम स्कंद के वक्ता है नारद जी और श्रोता बन गए युधिष्ठिर राजा। अब नारद और युधिष्ठिर के संवाद में प्रहलाद चरित्र कहा गया। जब राजसूर्य यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल भगवान को गाली दे रहा था, तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का सिर छेदन किया। अब जैसे ही शिशुपाल मरा, उनका जो तेज था सो भगवान के चरणों में समर्पित हो गया, वो मुक्त हो गया, भगवान के धाम में चला गया। अब ये दृश्य युधिष्ठिर ने देखा, जो गाली दे रहा है भगवान को वो भी वैकुंठ को पाता है, ये तो बड़ा आश्चर्य है। अब ये भीतर जो प्रश्न उठा, वो प्रश्न उसने नारद जी को कहा, ऐसा क्यों हुआ? ईश्वर को गाली देने वालों को भी ईश्वर मुक्ति प्रदान करे, ऐसा क्यों? और तभी नारद जी ने जो संशय भीतर युधिष्ठिर के हुआ, उस संशय को मिटाते हुए नारद जी दृष्टांत के रूप में प्रहलाद चरित्र सुनाते हैं युधिष्ठिर को, क्योंकि कहीं न कहीं युधिष्ठिर को भी ईर्ष्या का भाव भीतर प्रकट हुआ। मैं 55 साल का हो गया और मैंने ये भी सुना है कि प्रहलाद 5 साल का है, वो 5 साल का बालक, मैं 55 साल का युधिष्ठिर, आज नारद जी मुझे उस बालक भक्त की ईर्ष्या हो रही है, कहां मैं कहां वो बालक। जो कृपा भगवान ने की प्रहलाद पर, ऐसी कृपा मुझ पर क्यों ना हुई? वरना ईश्वर ने मुझे देने में कुछ बाकी ही नहीं रखा, सब कुछ दिया ईश्वर ने मुझे, फिर भी मुझे लगता है कि मुझसे श्रेष्ठ प्रहलाद है जिसने भगवान की कृपा प्राप्त की। वरना भगवान नारायण ने मुझे मानव देह दिया, इसलिए कहा गया, शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यस्तारुचित्रम सुदेवा। हे नाथ ना।
एक तो शरीर दिया, मानव शरीर, यही उनकी कृपा का फल है। और अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम ऐसे भाई भी दिए। इस दुनिया में मेरा यश, पद, प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैला दिया। द्रौपदी जैसी पत्नी भी मुझे मिली, पूरे मेरु पर्वत को ढक दूं, इतनी संपत्ति परमात्मा ने मुझे प्रदान की। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। फिर भी इतना होते हुए भी अगर मेरा चित, अगर मेरा मन जो हरि के चरणों में स्थित न हुआ, तो ये जो मेरे पास ऐश्वर्य है उनकी कोई कीमत नहीं। ततः किम, 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 ततः किम। सभी दिशाओं में मेरा मान बढ़ा दिया, इतना दिया मेरे मालिक ने। फिर भी अगर मेरा मन, मेरा चित उनके चरणों में अनुरक्त न हुआ, तब इस जन्म का कोई साफल्य नहीं है। इसीलिए मानव को चाहिए निरंतर अपने भीतर उस श्वास की धारा में बस भगवान से जुड़े रहें। इस संसार में आए हैं मानव बनकर के, तो मानवीय भगवत स्मरण करे, इस मानव जन्म को सफल करे। क्योंकि ये जो देह है वो नाशवंत है, क्षणभंगुर आयु है, कब सांस रुक जाए पता नहीं। जितनी सांस है भगवान से जुड़े। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा युधिष्ठिर को संशय हुआ, और तभी नारद ने कहा भगवद कृपा सब में सम होती है, वहां कोई भेद नहीं होता। भगवान के दृष्टि में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। जो कृपा प्रहलाद पर हुई वही कृपा सब पर भगवान करते हैं। फिर भी युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे तो अच्छा प्रहलाद है, जिसके लिए परमात्मा ने अपने बनाए हुए नियम को तोड़ दिया। वैसे परमात्मा के बनाए हुए नियम कोई तोड़ नहीं सकता, मगर
जब भी भक्त पर आपत्ति विपत्ति आती है तब ईश्वर स्वयं अपने बनाए हुए उस नियम को भी तोड़कर उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान आए नरसिंह के रूप में और ऐसा क्रोध रूप है, जैसे ही भगवान थंब से प्रकट हुए प्रहलाद अमिनेश नयन से देखता रहा उस परमात्मा को, उस चैतन्य को। हिरण्यकश्यपु की छाती में जब उसकी छाती फाड़ दी भगवान ने, उसको मार दिया, फिर उनकी अतणिया जो थी देह की उसको हार बना करके गले में धारण किया। अब ऐसा क्रोध रूप सिंह जैसा नरसिंह और हिरण्यकश्यपु, भगवान जैसे ही भगवान ने उसको मारा बस उनका देह पवित्र हो गया, भगवान के चरणों में समर्पित हो गया हिरण्यकश्यपु। अब दुविधा ये हुई कि उस क्रोध रूप को शांत कैसे करें, क्योंकि भगवान नरसिंह के रूप में आए हैं बड़े क्रोध। तभी ब्रह्मा आए, नारायण की स्तुति की, मगर ना तो ब्रह्मा से शांत हुए, न महादेव से, न इंद्र से, न चंद्रमा से, जो देवगण थे उनसे भी भगवान का यह मनोहर रूप शांत न हुआ। तब जाकर लक्ष्मी को बुलाया नारद जी ने कि मैया अब आप आओ और इस नारायण के इस रूप को शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी ने देखा नारायण का इस क्रोध रूप को, तब वो भी भयभीत हुई, भयंकृत हो गई महालक्ष्मी। मनोमन विचारने लगी कि ऐसा रूप तो आज मैं पहली बार देख रही हूँ, ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं, और ऐसा रूप इनको आता है बनाना, ये भी आज पहली बार मुझे मालूम हुआ। इसलिए कभी कभी पति को भी अपनी पत्नी पर नरसिंह का रूप लेना पड़ता है, पर तभी पत्नियां विचार करती है कि देखो ये भी इसको आता है, कभी कभी नरसिंह बनना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि भगवान के इस रूप को मैं आज पहली बार देख रही हूं। अब सभी देवगण ने स्तुति की, किसी से भी भगवान शांत न हुए। तब जाकर ब्रह्मा ने प्रहलाद को बुलाया, कहा बेटा जिसके लिए अपने बनाए हुए नियम को तोड़ करके आए, अब तू ही जा और उस परम चैतन्य परमात्मा को शांत करो। प्रहलाद आया, भगवान के सामने खड़ा हो गया। अब उसकी वो जो चेतना, वो जो ऊर्जा, वो जो आभा मंडल थी भगवान की, वो जैसे ही प्रहलाद को देखा भगवान ने, जैसे बछड़ा गाय के सामने आता है और गाय जैसे उनको दुलारती है, बस अपने सन्मुख उस नन्हे बालक प्रहलाद को देखा भगवान ने, उस क्रोध को भगवान धीमे धीमे शांत करने लगे। और फिर दोनों हाथ फैला दिए भगवान नरसिंह ने, वो नन्ना सा बालक जैसे बछड़ा अपने गाय को देखकर दौड़ लगाता है, बस दौड़ता हुआ भगवान की बाहों में समा गया, उसकी आगोश में आ गया। भगवान ने अपने भीतर मानो प्रहलाद को समाहित कर लिया, प्रहलाद को अपने भीतर बिठाकर उनके मस्तक पर हाथ लगाकर कहा बेटा आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। देखो भगवान ने प्रहलाद की क्षमा मांगी, वैसे तो भक्त ही भगवान की क्षमा मांगता है, मगर प्रहलाद की भगवान ने स्वयं क्षमा मांगी। क्यों मांगी? प्रहलाद ने कहा प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे? तभी भगवान ने कहा बेटा तेरे पिता ने तुझ पर बहुत अत्याचार किए और आने में मुझे विलंब हो गया, जो आने में विलंब हुआ इसीलिए आज मैं क्षमा मांगता हूं। अब भक्त की भक्ति ऐसी है कि स्वयं भगवान भक्त से क्षमा मांगता है, ये भक्ति की एक उच्च स्तरीय अवस्था है भक्त की, जहां फिर भक्त भक्त नहीं रहता, वो भी भगवान हो जाता है। अब मैं न रहा, तू तू ना रहा, वो दूरियां संपन्न हो, वो खत्म हो जाती है, और तभी भक्त के रूप में भगवान प्रहलाद जी
नारायण से स्तुति करते हुए कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तश्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे मालिक, आपके चरणों में मेरा नमन। और तभी भगवान ने कहा, अब मांगो, मैं तुझे क्या दूं, चल तेरी जो भी कामना है सो प्रकट कर दे। फिर प्रहलाद ने कहा, प्रभु अब मैं मांगू तो भी क्या मांगू, वो भी आपसे, और आपने क्या न दिया मुझे, सब कुछ दिया। आज मैं अपनी आंखों से आपका दर्शन करूं, ये साफल्य कम है? मुझे लगता है मेरे जन्मों जन्म के भाग खिल गए, बस आपका सानिध्य मुझे मिल गया। प्रभु अब कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी सारी कामनाएं मिट गई। देखो 7 साल का वो नन्ना सा बालक, मगर बात ज्ञानियों जैसी करता है। परमात्मा का जब, परमात्मा की अहैतुक हरि कृपा जब लगती है तो भीतर से ज्ञान भी प्रकट होता है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी मैं याचना करता हूं, मेरा पिता चाहे राक्षस था, असुर है, मेरे पिता ने जो भी गलतियां की, जो भी अपराध किए, आपसे इतनी ही मेरी याचना है, मेरे पिता को मोक्ष मिले, ये बालक की कामना थी, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तभी भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरे हाथों का स्पर्श हिरण्यकश्यपु को जैसे हुआ, वो मोक्ष को ही पा गया। जब तेरे जैसा बालक इस कुल में प्रकट हुआ, इस कुल को मुक्ति मांगनी नहीं पड़ती, मिल गई, समझो तेरे पिता को मैंने मुक्त किया। अब दूसरी बात सुनो, तेरे वंश में जो भी आएगा वो भी मुक्त होगा, जो गए हैं वो भी मुक्त हो गए, अभी जो मैंने हिरण्यकश्यपु को मारा वो भी मुक्त हो गया, अब मांगो क्या दूं मैं। और तभी प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, बस मेरा जन्म सफल हो गया। मना करने के बावजूद भगवान ने कहा, मैं बिना तुझे कुछ दिए यहां से जाऊंगा नहीं, तुझे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। और तभी प्रहलाद ने कहा, अगर आप ऐसे कह रहे हो मुझे तो इतना मैं मांगता हूं, मेरी भीतर में जितनी भी कामना है वो सब मर जाए, मेरी कामना को खत्म कर दो प्रभु। एक बार कामना खत्म हो गई, निष्काम हो गया भक्त, फिर तो उसका रमण परमात्मा में होता है। और जैसे ही राम आए थे गंगा तट पर और केवट को कहा, अब मैं उत्तराई देता हूँ, चल तुझे क्या चाहिए, और तभी वो केवट भक्त जो राम का था उसने कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा,
मेरे सभी मेरी दारिद्रता मिट गई, आपका दीदार हो गया प्रभु, अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रहलाद को भगवान ने अपनाया, प्रहलाद पर जो कृपा बरसाई परमात्मा ने। फिर नारद जी युधिष्ठिर को कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, ये परमात्मा की कृपा का फल है कि प्रहलाद परमात्मा में रमण करने लगा। युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझे धर्मोपदेश करो सविशेष, और तभी मानवों को कितने प्रकार के धर्म अपनाने चाहिए, वो धर्म का निरूपण किया। गृहस्थाश्रमी को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, विविध प्रकार के धर्मों की चर्चा यहां पे युधिष्ठिर राजा को नारद ने सुनाई। और तभी 30 प्रकार के ऐसे धर्म है जो हर दिन मुझे और आपको उसका पालन करना चाहिए। सत्यम वद, तितिक्षा, संतोष, स्वाध्याय, ऐसे 30 धर्म है जो हर दिन निरंतर सत्य का आचरण करे, सत्य का अनुष्ठान करे, कभी असत्य की ओर न जाए, कभी अनीति हमारे भीतर प्रवेश न कर पाए, ऐसे सत्य के मार्ग में हम प्रतिष्ठित रहे। प्राणी मात्र पर दया, तितिक्षा, पवित्रता निर्माण हो हमारे भीतर में, और स्वाध्याय, निरंतर अभ्यास करें, निरंतर स्वाध्याय करें। तो ऐसे कुल 30 प्रकार के धर्म का अंगीकार किया, बताया। और फिर युधिष्ठिर राजा, जो अपने भीतर संशय प्रकट हुआ, उस संशय को नारद जी ने मिटाया। सप्तम स्कंद का इस रूप को वंदन करते हुए सुखदेव जी महाराज ने अष्टम स्कंद की कथा सुनाई, जो मनवंतर लीला है, जहाँ वामन भगवान का प्रागट्य हुआ, उस मनवंतर लीला का दर्शन करवाते हुए सुखदेव जी ने सप्तम स्कंद को विराम दिया। आइए हम भी भगवान भागवत जी के इन दिव्य चरणों में सप्तम स्कंद को विराम देते हुए अष्टम स्कंद की ओर प्रवेश करें। उससे पूर्व 1 मिनट हरिनाम स्मरण करें बड़े भाव से। बोलिए श्री नरसिंह नारायण भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण वैयासिकीयायां पारमहंसायां संहितायां श्री नरसिंह नारायण चरणकमलाभ्यां वयं समर्पयेत। बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय। आइए थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करें बड़े भाव से। हरि सुंदर नंद मुकुंद नारायण हरियो, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि सुंदर नंद
माड़ी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी वन माड़ी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी हो वन माड़ी मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी वन माड़ी नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी नित नित कर माखन चोरी आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे आवो नाचो रे रास रचावो रे हरियावो रे आओ नाचो रे नाचो रास रचावो रे गावो रे नाचो रे रास रचावो रे हरियावो रे नाचो रे रास रचावो रे हरि सुंदर सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी ओ नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी हे नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हरी सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि
हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम हरि अरिया वो रे गोकुल के राजा अरिया वो रे गावो रे गोकुल के राजा हो आवो 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 रे हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ओम 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 हरि हरि नारायण हरि ओ वन माड़ी मुरली धारी मोरे गोवर्धन गिरिवर धारी वन माड़ी मुरली धारी
गोवर्धन गिरिवरधान नित नित कर माखन चोरी गोपी मन हारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि श्री द्वारिकाधीश की ओम नमो नारायणाय नमः पशु समान ताके अति मूरख भलो जिन मुख निकसत राम नारायणम नमस्कृत्योत्तमम दैवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। आइए अष्टम स्कंद मन्वंतर लीला उस मंगलमय कथा में प्रवेश करें। और आज द्वारिका तीर्थ भूमि में इस वैष्णवीय नगरी में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए माता जी ज्योति माता जी जो उनके सानिध्य में ये सत्संग आज इस तपोमय भूमि में भगवान नारायण के उन मंगलमय चरणों में बैठ करके इस नारायण अवतार की कथा को हम सुने। वामन भगवान वामन नारायण वैसे तो विराट वामन बने तो वो कैसा लगता है। वामन के रूप में परमात्मा जब इस धरातल पर आए बलि राजा के यज्ञ मंडप में उस दिव्य वामन जी के लावण्य स्वरूप को आइए हमारे भीतर निमज्जन करते हुए हमारे भीतर उनको समाहित करें। सुखदेव जी परीक्षित राजा को मन्वंतर लीला सुना रहे हैं। मन्वंतर लीला क्या है? मन्वंतर यानि भगवान ब्रह्मा जी उनके देह से जो मनु महाराज का प्रागट्य हुआ उस मनु महाराज के वंश में जो जो राजा हुए अब भगवान ने किस वंश में अवतार लिया किस कुल में आए उस वंश का वर्णन इसलिए मन्वंतर लीला। आदमी मानव इस मन्वंतर लीला में ऐसे कितने मन्वंतर है। अभी जो हम कलिकाल में बैठे हैं तो ये कौन सा मन्वंतर चल रहा है? जब हम पूजन करने बैठे तो आचार्य देव ब्राह्मण हमें ये भी कहते हैं
संकल्प करते हुए अभी किस नक्षत्र में, किस योग में, किस तिथि में, किस मुहूर्त में, किस समय, किस मन्वंतर में, कौन सा आदित्य वर्ष में हम बैठे हैं, हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान, पूरा शास्त्र हमें बताता है। कलियुगे कलि प्रथम चरण, यहां अभी तो कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, ऐसे परमात्मा चौथे चरण में कलियुग का जब प्रवेश होगा तभी कलि अवतार के रूप में आएंगे। मगर यह जो पहला चरण है कलियुग, अष्टारविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरण है, भूरलोके भारतवर्षे भरतखंडे, इस भारतखंड में मनु महाराज उसके मनवंतर में भगवान ने जो जो लीलाएं की उसमें एक है हरि अवतार, यज्ञ अवतार, हरि अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, ये जो अवतारों की गणना है उसमें वामन अवतार एक है। ऐसे देखा जाए तो त्रेता युग है, सतयुग है, द्वापर है और चौथा कलिकाल है। अब जब सतयुग था तो कितने सालों का था, साल गणना यानी वर्ष, मनमंत्र लीलाओं में उसकी गणना भी बताई है। जैसे कलिकाल है तो 4,32,000 वर्ष कलयुग का बताया है, अभी तो एक चरण है 6,000 वर्ष करीब करीब समाप्त होने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। ऐसे चौथे चरण में परमात्मा आएंगे, मगर मानव की आयु 30 साल की बताई है। जब चौथा चरण आएगा कलिकाल का, आयु घट जाएगी, 4,32,000 वर्ष कलयुग का है, 8,64,000 वर्ष द्वापर का बताया, 12,96,000 वर्ष वो त्रेता का है और 16,88,000 वर्ष सतयुग का बताया। अब ऐसे चार युग जब मिल जाए तब भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन पूर्ण होता है। ऐसे ब्रह्मा का 100 साल की आयु से बताया, 100 साल ब्रह्मा जी का, यानी ब्रह्मा की जब रात होती है तो पृथ्वी का प्रलय होता है और जब ब्रह्मा का दिन निकलता है तब नए युग की शुरुआत होती है। अब ये जो मनवंतर है हरि यज्ञ मनवंतर, जिसमें भगवान वामन बनकर आए, सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे थे परीक्षित को और तभी परीक्षित के भीतर संशय हुआ, एक प्रश्न उठा और तभी परीक्षित ने कहा, महाराज एक थोड़ा संशय है, मेरी जागृति मुझे कुछ कह रही है, क्या कहो। तभी परीक्षित ने कहा, मैंने ऐसा सुना है कि भगवान चतुर्भुज स्वरूप लेकर के गजेंद्र का उद्धार किया, हाथी का उद्धार किया, मुझे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाओ। मैंने सुना है हाथी की रक्षा के लिए परमात्मा वैकुंठ छोड़ करके आए। अब यहां थोड़ा आश्चर्य है, भगवान हाथी बोलाए और आ गए, ये बात मेरे दिमाग में बैठती नहीं। जब हम भागवत को सुनते हैं तो भाव जगत से अगर सुने तो अच्छा लगता है कि चलो हाथी का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया, मगर वो जो कथा हमारे भीतर हृदय में आती है ना, वो वाया बुद्धि के मार्ग से प्रवेश करती है और जो बुद्धि है ना वो कई तर्क वितर्क प्रकट करती है। अब बुद्धि प्रामाण्यवादी जो है श्रोतागण उसको संशय लगेगा, ऐसा होता है कभी थंब में से परमात्मा आते हैं। अब ब्रह्मा जी को छींक आई और उसके नासिका के द्वार से जब वराह नारायण भगवान आए तो ये बुद्धिगम्य बात नहीं लगेगी, भाव से हृदय से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा कि चलो ना वराह भगवान आए, मगर जब बुद्धि प्रामाण्यवाद यानी बुद्धि तर्क करेगी, अब बुद्धि के द्वारा जो उठाए गए प्रश्न है उसका भी समाधान होना चाहिए शास्त्र की दृष्टि से।
तो यहाँ जो हाथी है, गजेंद्र है, उसका उद्धार कैसे किया? और हाथी के बुलाने से परमात्मा आ गए, मैंने सुना है, ये जरा मुझे सविस्तार कृपा करके कहो, ये सब क्या है? और तभी गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र यानी हाथी, वैसे देखा जाए तो गजेंद्र यानी जीव, हमारी और आपकी कथा है, जीव और काल, मृत्यु और जीव की ये कथा है। गजेंद्र वैसे तो हाथी के रूप में है, गजेंद्र जो बलवान है, पशुओं में बलवान हाथी है, और दीर्घायु भी हाथी है, श्वान की आयु कम है मगर हाथी दीर्घायु है। इसलिए कहा महाराज मुझे उस गजग्रह की कथा सुनाओ। मैंने सुना है मगर ने हाथी का पैर खींचा। अब मगर जो है वो काल का प्रतीक है, गजेंद्र जो हाथी है वो जीव। अब काल तो जब बालक का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तभी से काल प्रतीक्षा में है, वो लेकर ही जाएगा जीव को। निरंतर काल के मुख में प्रवेशता हुआ यह देह, और जब काल आता है तो पहले पैर को खींचता है, पहले पैर निकल जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता काल अपनी गति को बढ़ाता है। जब हम पैरों से चल न सके, थकान महसूस हो, तब समझ लो अब काल देवता की तैयारी हो रही है, अब वो आने वाले हैं। इसीलिए हाथी गजेंद्र अपने परिवार के साथ मंदराचल पर्वत के उस गिरी तड़ेटी में गया जहां सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में, उस वन में प्रकृति ने अपना स्वरूप प्रकट किया। सभी ओर वृक्ष डोल रहे थे, चिड़ियों की चहचहाट, आज मोर अपनी कलाई दिखा रहा था, कोयलों का वो मीठा स्वर अपने कंठ प्रदेश से कोयल चहक रही थी। तभी मंदराचल पर्वत की ऊंची चोटियों से गिरता हुआ बारिश का पानी उस सरोवर में सम्मिलित हुआ। उस झरने को बहता हुआ देख हाथी मदोन्मत होने लगा। अपने परिवार के साथ आया था हाथी, अब जैसा जल को बहते हुए देखा वैसे सरोवर शांत होता है, मगर ये पर्वत से गिरता हुआ पानी, वो झरना, मानो आज गजेंद्र के मन को अपने भीतर समाहित कर रहा है। प्रकृति मानो प्रसन्न है। हाथी ने जैसे यह सौंदर्य देखा तो अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा, हाथी जल स्नान करने लगा। और जैसे ही सरोवर के भीतर में प्रवेश किया हाथी ने, और तभी यह घटना बनी घटी कि हाथी अपने परिवार के संग जल क्रीड़ा में मदोन्मत हो गया, अपनी सुंड में पानी खींचे, और अपनी जो परिवार पत्नियां थी, जो परिवार था, उस पर वो पानी का छिटकाव करता हुआ, सब स्नान कर रहे थे। उस संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र जल क्रीड़ा में ऐसा मदोन्मत हो गया कि सुखदेव जी ने कहा, आशी गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुत तावता विस्तृत पर्यक त्रिवेह श्रृंगपयो निधि।
आसे गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुत। अपने परिवार के साथ गजेंद्र जल क्रीड़ा में मदमस्त हो गया। ऐसी जल क्रीड़ा और अचानक वही सरोवर में भीतर सरोवर के भीतर पड़ा मगर जो झुंड था वो आया मगर और हाथी का पैर अपने मुख में लिया, ऐसा दबोचा पैर को, खींचने लगा अपने भीतर। मगर अभी तक जो सुखानुभूति गजेंद्र को हो रही थी, मगर जैसे ही मगर आया पग को खींचने लगा, अचानक संकट आ गया। जब हाथी ने देखा मगर को, और तभी हाथी अपनी प्रचंड ताकत से, अपनी शक्ति से उस झुंड के मुख से अपने पैर को बाहर की ओर खींच रहा है हाथी। मगर ने ऐसा उनका पैर पकड़ा, खींचा, हाथी चिल्लाने लगा। हाथी वैसे तो बलवान है, अपने अहंकार में हाथी अपनी बल का उसको अभिमान भी होता है। हाथी को मेरे जैसा बलवान इस वन में कोई नहीं है, मैं बल में बलवान हूं। हाँ बलवान है, मगर ये भूल गया मेरा बल पानी के बहा, पानी में तो मगर का ही बल है। और तभी मगर ने पैर को खींचा, हाथी अहंकार भारी संगे छिनारी जलनो विहारी काम क्रीडा काम क्रीडा ने आ। काम हाथी ने हाथियों को लगा ये मेरा काल बनकर आया है, मुझे मार डालेगा, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरी मृत्यु निकट आ गई। उस झुंड ने हाथी का पैर ऐसा खींचा, तभी हाथी ने कहा अपने परिवार से कि इस झुंड के इस मुख से मेरा पैर आप बाहर निकालो। मगर जो संग में परिवार था सो सब जान गए कि अगर हाथी को, हाथी की रक्षा के लिए अगर हम गए तो हम भी मौत के मुख में चले जाएंगे, ये तो हमें भी मार देगा। तभी वो जो परिवार था उस सरोवर के मध्य में हाथी को अकेला छोड़ करके सब किनारे पे आ गए। अब हाथी ये देख रहा है कि मेरे ही मुझे छोड़कर चले गए, जब मेरे मुझे छोड़कर चले गए फिर मुझे कौन अपनाएगा, अब मेरा कौन, जिसको मैंने अपना माना उसने तो संकट के इस क्षण में मुझे छोड़ दिया, मेरा त्याग कर दिया। तभी हाथी को मालूम पड़ा कि ये संसार के जो भी संबंध है वो सब स्वार्थ के ही संबंध है, बिना स्वार्थ यहां कोई किसी को अपनाता नहीं। और इसीलिए हाथी भगवान के चरणों में अब उनकी स्मृति हुई। हाथी ने कहा अपने परिवार को कि मेरी रक्षा करो, इस
ग्राह के मुख से मुझे बाहर निकालो। मगर जब स्वार्थी परिवार देख रहा है हाथी को डूबते हुए, अब गया तब गया, इसी स्थिति में हाथी डूब रहा है। और कहा गया भागवत में, जैसे हम यज्ञ में तिल और जौ वो यज्ञ सामग्री में हम रखते हैं, जब स्वाहा बोलते हैं अपने हाथों से तिल और जौ का भोग लगाता है अग्निदेव को, उनकी सुंड जौ जैसी रह गई, इतना अंदर चला गया, जो जौ होते हैं उतनी ही सुंड दिखाई दे रही है। हाथी पूरा मगर उसको अपनी ओर निकलने लगा। अब हाथी करे तो भी क्या करे, अब मैं किसको पुकारूं? और तभी पूर्व जन्म की स्मृति हाथी को याद आ गई और हाथी ने पुकार किया, भगवत स्मरण किया। हाथी ने पुकारा किसको? उस परम चैतन्य परमात्मा को। और तभी हाथी ने मनोमन ठान लिया, मेरे तो मुझे छोड़कर चले गए, जो कभी नहीं जाने वाले उस परमात्मा को मैं क्यों न याद करूं, जिसने मुझे ये रूप दिया। और तभी अपने को अकेला न मानते हुए हाथी ने भगवान का अनुमोदन किया, उनको याद किया। और तभी सूरदास जी अपने पद में लिखते हैं इस गजेंद्र मोक्ष को, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद। बिना आपके परमात्मा अब इस संकट से मुझे कौन छुड़ाए। और वैसे जीव का स्वभाव है, जब संकट आए तभी परमात्मा को याद करते हैं। जब सुखानुभूति होती है, जब हम सुख में हैं, तब परमात्मा को याद नहीं करते। मगर जैसे ही कोई संकट आया, दौड़ करके उस परमात्मा को, फिर भी उसकी दया का रूप देखो, वो आता है जीव के लिए। और तभी नीर पीबाना है तू गयो सिंधु के किनारे, आपके सिवा इस संसार में, इस भूमंडल में मेरा कोई नहीं है। आज मुझे समझ में आया, मेरी पूरी आयु मैंने अपने परिवार को दे दी, अगर ये मेरा पूरा जीवन
मैंने आपको दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मगर चलो देर से ही सही है, भगवान आप मेरी रक्षा करो, बिना आपके अब इस झुंड के मुखाग्नि से मुझे कौन निकालेगा। और तभी चार प्रहर युद्ध भयो, लई गयो मझधार। परिवार को दे दिया, इस संसार को दिया, आज मुझे पता चला ये संसार मेरा नहीं, ये परिवार मेरा नहीं। अगर मेरा कोई है तो प्रभु आप ही हो। इसलिए इस मौत के मुख से मुझे बाहर निकालो। और तभी पुकारा हाथी ने, और वो जो स्वर था द्वारिका में द्वारिकाधीश के कानों में लगा। सूरदास लिखते हैं, द्वारिका भगवान को। और तभी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, शंख चक्र गदा पद्मा आदि धारण करते हुए, और जैसे ही परमात्मा आ गए, उस रूप को देखा गजेंद्र ने, और जैसे ही देखा अब भगवान ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को धारण किया और उस चक्र को छोड़ा। वो जो झुंड पैर पकड़े हुए था हाथी का,
बस भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस झुंड का सिर धड़ से अलग कर दिया, मर गया झुंड। और हाथी का जो पैर फंसा हुआ था झुंड के मुख में, उसका उद्धार किया। और जैसे ही हाथी ने देखा अपने सामने परमात्मा को, अखियों से आंसू बहने लगे। मन में भीतर विचार किया हाथी ने, मेरे लिए अपना धाम छोड़ करके आए परमात्मा, अब मेरे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं, मैं क्या प्रदान करूं मेरे मालिक को, आए हैं मेरे लिए तो कुछ देना तो पड़ेगा। और जैसे ही हाथी की निगाह गई सरोवर में, वो कमल खिला हुआ था, वो कमल का पुष्प लिया अपने सुंड में और परमात्मा की ओर कमल परमात्मा को दिया। कमल का फूल यानी अपने मन को परमात्मा में समर्पित किया और परमात्मा भी मन कमल रूपी उस मन को मांगते हैं। और तभी सूर का है श्याम सुनो, सूर का है श्याम सुनो, शरण लई तिहार शरण शरण लई तिहारो, अब की बार पार करो, ओ नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, मन तड़पत हरि दर सन को याद, मन तड़पत हरि दर। राग मालकोस शिव ने अति प्रिय राग, बहुत सुंदर राग है मालकोस राग, रागमा बहुत सुंदर। तू मेरी द्वारिका हो जोगी, तू मेरे तड़पत हरि दर
दर्शन को मोहे लागी लगन गुरु तय मोहे लागी लगन गुरु चरणन के मोहे लागी लगन गुरु चरणन के चरण बिना गजेंद्र का उद्धार किया और जैसे ही गजेंद्र भगवान के धाम में, अब यहाँ गजेंद्र ने थोड़ा भगवान से ये कहा, प्रभु जब मैंने आपको बुलाया अब
आपने अपनी अनुकंपा अपनी कृपा पहले उस झुंड पर करी, बाद में मुझ पर कृपा करी, ऐसा क्यों हुआ? आप मेरे लिए है तो पहले तो कृपा मुझ पर करनी चाहिए, आपने तो पहले झुंड को ही मुक्ति दे दी, ऐसा क्यों? तभी भगवान ने कहा, देखो गजेंद्र, ऐसा है, तुम तो मेरा प्रिय भक्त है ही है, मगर मेरा एक नियम भी है। बोले क्या? जो मेरे भक्तों की सेवा करे ना, वो मुझ तक मेरे भक्त से पहले आते हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूय, तू तो मेरा दास है ही है, तू तो मेरा परम वैष्णव है, मगर जो मेरे वैष्णवों की सेवा करे, बस भगवान कहते वो मुझे अधिक प्रिय है। इसलिए गजेंद्र याने जीव, मगर याने काल, अब निरंतर मानव काल के मुख में बस निकलता है, और काल है आए बिना रहता नहीं। अब वो काल आए उससे पूर्व हम अपने को उस हरि नाम में, उस हरि चरणों में समर्पित करें, बस गजेंद्र मोक्ष। और फिर परीक्षित राजा ने प्रश्न भी किया, प्रभु मैंने सुना है परमात्मा ने स्त्री का रूप लिया, वो मत्स्य अवतार भी किया, मैंने सुना है कच्छप का अवतार लेकर के परमात्मा आए, भगवान मोहिनी बने, देव और दानवों को, जिसमें देवों को अमृत पिलाया, ऐसा परमात्मा ने क्यों किया? स्त्री के रूप में क्यों आना पड़ा परमात्मा को इस धरातल पर, ये मुझे कृपा करके कहो। और तभी सुखदेव जी ने कहा, सुनो वो समुद्र मंथन की मैं कथा कहूं। एक बार देव और दानव दोनों मिलकर के समुद्र में उस अमृत की खोज करने चले गए। अब पता चल गया कि चलो भीतर में अमृत है, समुद्र के भीतर, मगर उस अमृत को पाए कैसे? और तभी देव और दानव दोनों सहमत हुए कि चलो भगवान नारायण के यहां चले जाएं। अब वैकुंठ में आए, भगवान नारायण को स्तुति करते हुए कहा, प्रभु ये जो अमृत है वो समुद्र के भीतर है, बिना आपकी कृपा हमें अमृत प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अमृत चाहिए, मगर हम कैसे उसको पाए ये आप हमें कहो। अब उस अमृत की कामना में देव इंद्र और दानव यानी बलि, देव और दानव दोनों साथ में गए थे। तभी भगवान ने कहा, सुनो ओ देवेंद्र, समुद्र के भीतर में उस रसातल में छिपा हुआ अमृत है, क्योंकि आए दिन देव और दानवों का युद्ध हो रहा था। अब दानव बल में इतना बलवान थे, राक्षस थे, और देव की जो सत्ता स्वर्ग थी, उस स्वर्ग से इंद्र वंचित हो गया, यानी कि दानवों ने स्वर्ग को अपना लिया। और तभी देव चिंतित हुए कि अगर सत्ता में दानव आ गए स्वर्ग में, तब तो बड़ा नुकसान होगा इस धरातल का, इस देव मंडल का। अब पुनः उस स्वर्ग की कामना के हेतु इंद्र ने यह जान लिया कि अमृत का पान अगर कर ले और हम अमर बन जाए, फिर तो दानवों को हम आए दिन पराजित करेंगे, मगर जब तक अमृत न पिया जाए तब तक इस दानवों का भय तो लगा रहेगा। अब दानव भयभीत कर रहे हैं देव को। तभी देव इंद्र नारायण के पास गया और नारायण से स्तुति की, प्रभु इस दानवों के बल से मेरी रक्षा करो, मेरा स्वर्ग अभी तो बलि के हाथों में चला गया। तभी भगवान ने कहा, बलि इस समय बलवान है, उनका एक कारण भी है। क्यों बलवान है बलि?
वो ब्राह्मणों की सेवा करता है, शुक्राचार्य की सेवा, ब्राह्मणों की, सद्गुरुओं की सेवा। इसलिए ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही बलि इतना बलवान हो गया है। मगर सुनो हे देवेंद्र, हे इंद्र, अगर दानवों को पराजित करना है तो पहले अमृत का पान करो। बोले वो अमृत कहाँ है? बोले समुद्र में भीतर रसातल में छिपा हुआ है। अगर अमृत पी लिया फिर तो आप अमर हो जाओगे। मगर सुनो इंद्र, ऐसे अमृत नहीं मिलेगा। जब तक दानव सहायक न हो तब तक मुश्किल है अमृत निकालना। वहां पे कपट संधि हुई देव और दानवों में, यानी के प्रलोभन दिया गया इंद्र की ओर से बलि को कि हमने सुना है समुद्र के भीतर में अमृत है और जो अमृत निकालेंगे, ऐसा करो राजा बलि, वो अमृत आप भी पी लेना, पी ले लेना। अब अमृत कौन पीना नहीं चाहेगा, अमर कौन न होगा? सबको अमृत चाहिए संसार में, सबको सुख चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए। तभी बलि राजा ने कहा कि जैसे ही अमृत निकले ना, पहले उस अमृत का पान मैं करूंगा। बोले ठीक है। अब देव और दानव आ गए समुद्र में, समुद्र के भीतर, और वासुकी नाग का वो रस्सी बनाई और फिर अमृत की तलाश में मंथन शुरू हो गया। एक और देव, एक और दानव, अब चाहिए था अमृत। मगर जैसे ही मंथन शुरू हुआ तो उस मेरु पर्वत को उठा करके समुद्र में पधराया, गिराया। अब जैसे ही मेरु पर्वत भीतर गया तो डूबने लगा। इतना डूबने लगा कि देव और दानव भी चिंतित होने लगे कि अगर ये मेरु पर्वत भीतर चला गया तो भीतर में पड़ा अमृत कैसे मिलेगा, आया संकट। तभी भगवान को याद किया देव और दानवों ने, और भगवान कच्छप के रूप में, काछबो गुजराती में आपने कहे तो काछबा न रूपे परमात्मा कच्छप रूप लेकर के आए और अपनी पीठिका पर उस मेरु पर्वत को स्थिर किया। अब जैसे ही मेरु पर्वत स्थिर हुआ फिर रस्सी से, नागपास से वो मंथन शुरू हुआ। चाहिए था अमृत और निकला विष। देखो ये संसार है। संसार बाहर से हमें कितना ही सुंदर क्यों न लगे, अमृत जैसा, मगर जब संसार में आदमी खो जाता है ना, और जैसे ही संसार संकट देता है तभी आदमी को पता चलता है कि ये संसार जो अमृत है, मुझे लगता था ये तो अमृतमय संसार है, मगर इस संसार की विषयाग्नि इतनी प्रबल है कि उस अग्नि की ज्वालाओं में आदमी जल जाता है। इसलिए इस समुद्र रूपी संसार में मंथन जरूरी भी है। अपने मनोमय, अपने मन मंथन से शास्त्र का अध्ययन करते हुए सद्गुरु के सानिध्य में अपने आप को इस संसार में न डुबोए। इसलिए भगवान ने कहा कि संसार तेरे लिए है, मैंने बनाया ही तेरे लिए है, अपने लिए नहीं बनाया। मगर तू रहे संसार में ऐसे जैसे मक्खी शक्कर पर रहती है, मगर तू तो ऐसा चिपक गया संसार में, ऐसा डूब गया कि बाहर ही नहीं आता। संसार छोड़कर भागना नहीं है, संसार में रहकर जागना है। और जो जग गया वही जगदीश तक पहुंच गया। इसीलिए संसार असार है। ये संसार का जो सुख है वो मृगजल जैसा है। संसार वैसे है ही नहीं, फिर भी दिखता है हमें संसार है। जैसे धूप में हम निकले अपनी गाड़ी में तो अधिक धूप होने से दूर कहीं हमें वो मृगजल दिखता है कि हाँ यहाँ पानी है, पानी है। अब पानी है नहीं, दिखता है। संसार है नहीं, दिखता है। उस संसार में आदमी इतना डूब जाता है। फिर जब संसार रूपी सर्प दंश देता है
तभी आदमी सावधान होता है, उस विषय अग्नि का दंश लगता है। अपने जब अपना न माने, अपने जब अपना पराय हो जाए, तभी ये विषय अग्नि से जलता हुआ आदमी अपने आप को संसार में, फिर परमात्मा वो ऐसा है, संसार में हम कैसे रहे, जैसे बड़ी नाव है समुद्र में जा रही है। अब नाव समुद्र में रहे तब तक ठीक है, मगर जब समुद्र नाव में आ जाए ना, फिर तकलीफ है। तू संसार में रहे कोई दिक्कत नहीं, मगर जब संसार तुझ में आएगा तब ये थोड़ा मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने मन को संसार में, हाँ संसार में रहो, आप संसार में रहो, संसार को अपने में मत रखो। इसलिए आज भी गुरुओं की संतों की जरूरत है इस संसार में, क्योंकि उसी के सानिध्य में जीव कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। उस परम वंदनीय, उस संतों, उस परम चैतन्य स्वरूप सदगुरु, जो उनका सानिध्य में मिलता है। संसार में बस यही तो हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए संसार में रहो, मगर कैसे रहो, अपने में संसार मत लाओ। हाँ, संत संसार को संतों की और सदगुरुओं की बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। और जब संसार में संत या सदगुरु विचरण करते हैं, चरैवेति, तब तक तो ठीक है, मगर जब संत में संसार का प्रवेश हो जाए तब कठिनाइयां शुरू होती। अब जीव को भी वही सदगुरु इस संसार की दावाग्नि से छुड़ाता है। इसलिए निरंतर श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस नाम का जप करते रहो। संसार न मालूम कब हमारे भीतर आ जाए, क्योंकि संसार है ही ऐसा। और तभी मंथन शुरू हुआ अमृत पाने की चाहत में। अब निकला विष, विष निकला ना देव पीने के लिए आगे बढ़े, न दानव। अब विषय विष को कौन भला, जहर कौन पिए। जो भी देखो इस संसार में सुख की कामना करता है, किसी को दुख चाहिए नहीं। इसीलिए ज्ञान की शुरुआत, विचारों की शुरुआत दुख से ही होती है। सुखमा विचारों हारा ना आए, सुखमा माणस ज्ञानी न बने। ज्ञानी बने क्यारे, दुख पड़े ने पछी बधु ज्ञान थाय, पछी विचारो नवा स्पंदनो फूटे छे। अने याद राखजो, जे दुख ने भोगवी रह्यो छे ने, ई हताश के निराश न थाय, कारण के एना उम्रे सुख प्रतीक्षा करे के आ दुख जगिया खाली करे ने एटले हूँ आवुं। अने जे सुख भोगवतो होय ने एनी अहंकारी नहीं थवानुं, એને અભિમાની નહીં થવાનું, એના દરવાજે દુઃખ પ્રતીક્ષા કરે છે કે આ સુખ જાય એટલે હું આવું। સુખ ઓર દુઃખ દોનો દો પહિયે હે, બસ નિરંતર યે ચક્ર ચલતા હે। સુખ કભી સુખ હે કભી દુઃખ હે, ઇસીલિયે કભી સુખ આતે હે કભી દુઃખ આતે હે। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कभी सुख आते हैं कभी दुख आते कभी सुख आते कभी दुख आते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन
आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, 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 इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, कभी सुख आते हैं कभी दुख जाते हैं, कभी सुख आते हैं कभी दुख जाते हैं, कभी दुख जाते आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते सुखिया सब संसार जो खावे और सोवे, दुखिया कबीर कहे छे संसार चैन से जीने नहीं देगा। अगर हम संसार में है, कोई किसी ने हमारा अपमान भी किया, अब उस अपमान की स्मृति हमारे भीतर में, अब हर दिन हर क्षण आदमी तड़पता रहेगा। कोई आपका अपमान, कोई आपको अपमानित कर ही नहीं सकता इस संसार में। अपमान कर सकता है मगर अपमानित हम अपने आप होते हैं। उस अपमान को याद करते हुए हर क्षण हर घड़ी हम अपमानित होते हैं। तो संसार में आए तो मान अपमान सुख दुख राग द्वेष शत्रु मित्र धर्म अधर्म ये सब तो चला रहेगा। इसलिए मंथन अब निकला विष निकला दुख, ना देव पीने के लिए तैयार हुए ना दानव, अब नारायण के पास गए, चलो प्रभु आपकी कृपा से तो विष का जन्म हुआ, आपने सब बनाया है, अब ये विष जो है वो आप पी जाओ। भगवान ने कहा हाँ बनाया मेरी ही इच्छा से, मगर बनाने वाला ब्रह्मा है, इच्छा मेरी है, मैंने ही सब बनाया। तभी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा से कहा कि प्रभु अभी अभी नारायण ने हमें कहा, उनकी ही इच्छा से आपने इस विष का निर्माण किया, अब ये जो विष है वो पी जाओ आप। अब ब्रह्माणी ने कहा कमाल है अरियो देव, मेरे पति को विष देने के लिए आए हैं। ब्रह्मा ने कहा मैं चाहे ब्रह्मा हूं, मैंने पूरा ब्रह्मांड रचा, मगर ये जो विष है वो मैं नहीं पी सकता, इसको मैं कैसे पचाऊं, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो फिर इस विष का पान कौन करेगा। तभी ब्रह्मा ने कहा इस ब्रह्मांड में अगर इस विष की ज्वाला को और विष को कोई पीने वाला है तो वो एक ही है, वो है महादेव शंकर, इसलिए आप शंकर के पास जाओ। और तभी वो कटोरे में विष लेकर के देव और दानव आए महादेव के पास, और वहीं ध्याय नित्यं महे सौरज गिरिर्बम चारु चंद्रावसंतम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परसमगपरांभीतिहस्तम प्रसन्नम।
पद्मासीनं समन्तास्ततममरगणै व्याघ्रकृत्तिं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयोहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। इस पीड़ा को महादेव आप ही हर लो, आप हरने वाले हो, इसलिए महादेव। और जैसे ही महादेव ने देखा कि ये तो मुझे विष पिलाने आए हैं, और तभी बगल में खड़ी पार्वती, उसने कहा, देव आज आप विष लेकर के आए हैं, कल की ओर अमृत निकलेगा, तब किसी को महादेव याद नहीं आएंगे। और आप चाहते हो कि मेरा स्वामी विषपान करे? अरे उसके कंठ में इतना विष छिपा हुआ है, ये जो सर्प है, ये जो नाग है, ये कम विषधर है? कितना विष अपने आप में समाये हुए बैठा है, अब ऊपर से ये विष भी आप इसको देना है भगतों। और तभी महादेव सती को कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर विष का पान करते हुए देव और दानव का कल्याण है तो कोई बात नहीं, लाओ कटोरा। अपने हाथों में कटोरा लिया और विष का पान करने लगे। अब जैसे ही विष पान करने लगे, अपने कान में लगे हुए उस बीछी वो नृत्य करने लगे, वो जो सर्प की माला थी वो सर्प नाचने लगे, मुंड माला, खोपड़ियों की माला गले में लगाए हुए महादेव, वो वाघंबर, वो अपने हाथ में त्रिशूल, वो डमरू अपने आप बजने लगा, वो नंदी स्तुति करने लगा। और महादेव जी ने उस विष को पीना शुरू किया। जैसे ही महादेव ने विष पान करने लगे, तभी देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन प्राहिनः शरणापन्नौ त्रैलोक्य दहना। त्रैलोक्य दहनाद विषा। और जैसे ही भगवान महादेव ने विषपान किया, और वहीं उसी समय तभी पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रियेयं सहचराचरः। ततः करतलीकृत्य व्याप्ति हला हलं विषं आभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावन कृपया भूतभावन। यच्चकार गले नीलं तच्च साधो विभूषणम्। यच्चकारो गले नीलं गले नीलं यच्चकार गले नीलं तच्च साधो विभूषण। भगवान ने उस विष का पान कर लिया, न भीतर रखा न बाहर रखा, अपने कंठ में गले में
स्थिर किया, वह गला नीला रंग का हो गया और वह तभी भगवान महादेव का नाम हुआ नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ महादेव। अब नीलकंठ हुए, फिर उस विष को अपने में स्थिर करने के लिए उसने वो जो हरिद्वार से दूर नीलकंठ भगवान ऋषिकेश और वहीं इस मार्ग में होते हुए नीलकंठ महादेव जो है वहाँ पे उसने भगवान महादेव जी ने अपने विष को शांत किया और फिर वह मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ तभी लक्ष्मी कौस्तुक पारिजात गसुरा अन्य 14 ऐसे रत्न निकले। जैसे सभी देवगणों ने अपने हिसाब से रख लिए, अब उसमें से लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य हुआ। तो लक्ष्मी तो सदैव नारायण की ही है, तो नारायणी ने लक्ष्मी का अनुमोदन किया, पाणि ग्रहण किया। लक्ष्मी भगवान नारायण के गले में वो माला, वही माला थी वो पहनाई। अब लक्ष्मी और नारायण हुए। फिर अश्व जो निकला वो बलि राजा ने अपने पास रखा। पारिजात नाम के जब वृक्ष निकला वो देवों ने अपने पास रखा। कपिला नाम की जो धेनु गाय निकली वो ब्रह्मलोक में गई। अब विधविध जो भी रत्न निकले सब देवों ने रख लिए और सबसे अंत में धन्वंतरी जी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के आई। जैसे ही आए धन्वंतरी कलश लेकर अमृत का, और देव और दानव उसको पाने के लिए दौड़ने लगे, छीन लिया वो कलश दानवों ने। तभी देवो चिंतित हुए, अगर ये दानवों के भीतर अमृत चला गया फिर तो इस भूमंडल में, इस पृथ्वी धरातल में बड़ा अनर्थ फैल जाएगा। देव जब चिंतित हुए और तभी गगन मंडल से भगवान नारायण ने स्त्री के रूप में, मोहिनी के रूप में प्रवेश किया धरातल पर। और जैसे ही गगन के मार्ग से आते हुए मोहिनी जी को देखा, जिसने भी मोहिनी को देखा स्त्री रूप को, सब मोहित हो गए। दानवों के हाथों में जो अमृत का कलश था, मगर जैसे ही सुंदरी को देखा दानवों के हाथों में ही कलश रह गया, वो पीना भूल गए अमृत को। और जैसे ही मोहिनी जी को देखा ना, तभी उसके पास गए और कहा, ऐसा सुंदर रूप हमने तो कभी देखा नहीं। भगवान मन में भीतर में मुस्कुराने लगे कि चलो अब ये तो मेरी माया में आ गए, ठीक है। फिर मोहिनी जी ने कहा कि मेरा नाम मोहिनी है, मोहिनी हाँ। तब दानवों ने कहा कि हमारे हाथों में रहा ये अमृत कलश, हमारी ऐसी मांग है, हमारी ये भी ऐसी इच्छा है कि आप अपने हाथों से ही हमें अमृत पिलाओ। मोहिनी जी ने कहा, अगर आप जो मेरे हाथों से अमृत पीना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बोले क्या? अगर ये अमृत का कलश मैं पहले देव को दूं तो दानव आपको वो कोई दिक्कत ना हो, यानी देव मेरे ही हाथों से अमृत पान करे तो आपका विरोध नहीं होना चाहिए। और देव को कहा, मैं अपने हाथों से इस दानव को अमृत पिलाऊं तो आपको भी विरोध नहीं होना चाहिए। अब दोनों सहमत हो गए, दो पंक्तियां बैठ गई और भगवान मोहिनी जी ने अपने हाथों में कलश उठाया और जैसे ही कलश उठा करके अमृत देवों की ओर गए भगवान। अब वहां शर्त से बंधे हुए थे दानव, सब बैठे हैं, विरोध तो कर नहीं पाते। अब जैसे ही अमृत का पान सब देव को कराने लगे, वहीं दानवों में एक राहु नाम का दानव था, सो उठ करके आ गया सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया रूप बदल करके, और मोहिनी जी ने सबको अमृत पिलाया। राहु ने भी अपने मुख खोला, भगवान ने अपने हाथों से उसको अमृत पिलाया। जैसे ही भीतर में अमृत गया तभी सूर्य और चंद्र ने राहु की फरियाद की परमात्मा को कि प्रभु यह दानव है, देव का रूप लेकर के कपट भाव से अमृत पीने के लिए आया है। और तभी भगवान मोहिनी जी ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र उठाया और मोहिनी जी ने उस राहु का धड़ से सिर अलग कर दिया। अब भगवान के हाथों से उसको अमृत मिला, इसलिए धड़ भी, वो सिर भी अमर हो गया, वो धड़ जो था शेष शरीर का हिस्सा वो भी अमर हो गया। तभी भगवान ने कहा, चलो मेरे यहाँ सात ग्रह है, अब मैं
तुम दोनों को अपने ग्रह मंडल में समाहित करता हूँ, इसलिए एक का नाम हुआ राहु, एक हुआ केतु, ये ऐसे नवग्रह बन गए। और जो राहु है वो बिना सिर वाला है और जो केतु है वो सिर वाला है, ऐसा कहा गया है। तो जब सूर्य के भीतर राहु का प्रवेश होता है तो सूर्य को ग्रहण लगता है, और चंद्र जब केतु के निकट जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। आज भी वो झगड़ा चल रहा है राहु केतु सूर्य चंद्र में, तो जब जब ग्रहण लगता है तब तब। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में ऐसा निरूपण है कि ग्रहण जब लगे, जितना समय ग्रहण चले, बस मनुष्य को चाहिए हो सके इतना भजन कर ले भगवान का, नाम जब करे, क्योंकि वह जो कालखंड है ना उतना ग्रहण जितना रहेगा या रहने वाला होता है, उसमें किए गए कोई भी सत्कर्म कोई भी पुण्य वो अक्षय पुण्य होता है। और तभी अक्षय पुण्य में कहा गया है तो भगवान का वो स्वरूप। फिर देव और दानव, दानवों ने देव जब अमृत का पान भगवान ने अपने हाथों से करवाया तभी देव बलवान हो गए। अब दानवों पर युद्ध शुरू हुआ, दानवों को पराजित किया, पराजित दानव, मगर शुक्राचार्य ऋषि की संजीवनी विद्या से फिर सजीवन हुए। तभी शुक्राचार्य ने कहा, बलि अगर तुझे सदैव सर्वदा स्वर्ग का पद चाहिए तो 100 अश्वमेध यज्ञ कर। बलि ने कहा, गुरुजी करवाओ, मैं तैयार हूं यज्ञ करने के लिए। और तभी 99 यज्ञ हो गए पूर्ण। अब 100वां यज्ञ था, आहुति दी बलि राजा दे रहे थे, विष्णवे स्वाहा इदम विष्णवे न मम, जो भी कुछ है नारायण तेरा है, न मम, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इस भाव से आहुति यज्ञ मंडप में दे रहे थे। और तभी भगवान देव सब देवलोक नारायण के पास गए, अगर ये 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए तो बलि राजा सदैव सर्वदा ही अपने स्वर्ग का मालिक हो जाएगा, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। तभी भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, बस समय का प्रतीक्षा करो और मैं आऊंगा कश्यप और अदिति के यहाँ। भगवान ने कहा, तभी कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, अब कश्यप और अदिति के इस दाम्पत्य से परमात्मा का जन्म हुआ। अदिति ने पवित्र गर्भ धारण किया है, पुंसवन व्रत का अनुष्ठान करते हुए माँ अदिति ने अपने गर्भ को ऐसे बड़ी गर्भ में जैसे परमात्मा ने अपने तेज को समर्पित किया। शुभ काल आने लगा, भाद्रपद मास एकादशी पूर्ण हुई, द्वादशी का सूर्य उदित हुआ और तभी अदिति के गर्भ से परमात्मा का जन्म हुआ और भगवान वामन के रूप में कश्यप और अदिति के यहाँ आए। जैसे ही वामन भगवान का जन्म हुआ, सभी दिशाओं के देवों ने जय घोष किया, बोलिए वामन नारायण भगवान की। वामन जी का जन्म हुआ, 7 साल के वामन जी, हमारे भागवत जी के मंडप में भी वामन जी आने वाले हैं, हम तनिक उनका भी दर्शन करेंगे। मगर जैसे ही वामन जी आए और गायत्री मंत्र का जप किया, यज्ञोपवीत बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत का अनुष्ठान करवाया। अब यज्ञोपवीत पहने हुए वामन जी, हाथ में कमंडल, एक हाथ में छत्र और छोटे छोटे पैर में ऐसे सुंदर सा वो अपने पैरों से चलते हुए गुरु जी को वंदन किया, माता पिता की प्रदक्षिणा की। फिर बृहस्पति ने कहा के वामन, मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमात्मा है, मगर देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए तू भूमंडल पर आया है, मेरी आज्ञा है भृगुकच्छप देश में तुम जाओ, वहां विरोचन पुत्र बलि यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ मंडप में जाओ, मेरे लिए दीक्षा पाओ। अब गुरु की आज्ञा मिल गई तो देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन जी अपने हाथ में कमंडल लिए, एक हाथ में छत्र है और पग में चाखड़ी है पहने हुए,
और जा रहे वामन जी। अब उसका जन्म हुआ अभी का जो हमारा उत्तर भारत है बिहार उस प्रांत में, और वहां से चल करके आए गुजरात भरूच नर्मदा के किनारे जहां बलि यज्ञ कर रहा था। और वामन जी अब आए, और जैसे ही वामन जी आए, वो तो विष्णु थे, वामन बनकर आए, तभी वामन जी के रूप में आ गए बलि राजा के यज्ञ में। और जैसे ही यज्ञ में आए, बलि राजा का वैसे तो नियम था, मेरे यज्ञ में जो भी आएगा जो मांगेगा सो दे देना, बस दानी था बलि। वामन जी आए, सेवकों ने कहा कहो ब्रह्मदेव हम आपकी कैसी सेवा करें, कौन सी सेवा करें। तभी वामन जी ने कहा मैं आया हूं मांगने, आया हूं लेने, मगर तुम्हारे हाथों से नहीं, अपने राजा को बुलाओ, बलि अपने हाथों से मुझे दान दे, आया हूं दान लेने के लिए। और तभी सेवकों ने बलि राजा से कहा कोई ब्राह्मण बालक है आए हैं दान लेने के लिए, क्या कहूं। बलि ने कहा जो भी मांगे दे दो, हमने तो कहा, मगर वो जिद कर रहा है कि नहीं बलि के हाथों से ही मुझे दान चाहिए। अच्छा, बलि खड़ा हो गया, जैसे ही खड़ा हुआ शुक्राचार्य ऋषि ने कहा बलि यज्ञ जब हो रहा होता है अगर यजमान यज्ञ का परित्याग कर दे फिर तो इस यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, इसलिए बैठो। बलि ने कहा यज्ञ का फल मिले ना मिले, स्वर्ग मिले ना मिले, मुझे कोई बात चिंता नहीं, मगर मेरे आंगन से एक ब्राह्मण बालक बिना दान लिए ऐसे ही चला जाए तब तो मेरे पूर्वज भी मुझे डांटेंगे कि बलि तूने ये क्या कर दिया, ये जो मेरे पूर्वजों का यज्ञ है दान देने का, ये जो परंपरा है उसको मैं कैसे बंद करूं, इसलिए नहीं मैं तो जाऊंगा। खड़ा हो गया, जैसे ही बलि खड़ा हुआ मानो साक्षात देवेंद्र खड़ा हो गया, इंद्र जैसा उसका तेज है। यहाँ पे एक देखने की बात ये है सुनने की कि जो दानी होता है ना उसका तेज कभी छुपा नहीं रहता, चाहे अपने मुख से ना बोले कि मैंने यहाँ इतना दिया इतना दिया इतना दिया, मगर सामने वाले को पता चल जाता है कि ये दानी है, क्योंकि उसका जो तेज है वो प्रकट हो जाता है। तो बलि का तेज ऐसा था। अब बलि आया द्वार पर खड़े हुए परमात्मा को, जब उस छोटे नन्हे वामन को देखा ब्राह्मण बालक को, बलि की आंखें स्थिर हो गई, और तभी आंखों के द्वार से बलि ने वामन को अपने हृदय में कैद कर लिया। ये रूप कैसा सुम, ऐसा लगता है जैसे मानो सूर्य धरती पर आ गया हो, सूर्य जैसा तेज। और तभी वामन जी की ओर देखते हुए बलि ने कहा स्वागत महाभाग, स्वागत ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते, ब्रह्मर्षीणां तप साक्षात् मन्यते त्वार्वपर्ययम्, अद्य नः पितरः तृप्यताम्, अद्य नः पावितं कुल, अद्य नः स्वेष्टकृतम्। बलि राजा ने कहा मैं आपका स्वागत करता हूं, बैठो। आसन दिया दर्भ का, अब उसके पैर पखारने लगे, तीर्थ जल से पैर पखारे। और फिर बलि ने कहा अद्य नः पावितं कुल, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, अद्य नः पितरः तृप्यताम्, आज मेरे पूर्वज तृप्त हो गए, मेरे अंगना में ब्राह्मण बालक आए। तभी अद्य स्विष्ट क्रतुरयम् यत् भगवान गतो महा, ऐसा लगता है साक्षात भगवान मेरे यहां आ गए। बलि ने कहा, मन में मुस्कुराने लगे वामन जी, सही पहचाना, मैं ही भगवान हूं, अहम् ब्रह्मास्मि। और तभी बलि ने कहा मांगो क्या दूं, गाम का
कहो तो गांव के गांव दे दूं, नगर के नगर, शहर, हीरा मोती माणिक जो भी मांगोगे आज मैं दे दूंगा। अरे ब्रह्मदेव, मेरे यहाँ मेरे नगर में एक ब्राह्मण परिवार है, उनकी एक ही कन्या है, चाहो तो कन्या दान भी कर दूं, आपका ब्याह भी करवा दूं, इतना दूं, आने वाली हजारों पुस्ते, कभी किसी को किसी के यहाँ मांगने जाना नहीं पड़ेगा, इतना दे दूं, मांगो। अब ऐसी दातारी देखते हुए वामन जी भी इतने प्रसन्न हुए कि क्या बताएं। वामन जी ने कहा, हाँ ये मेरा श्रीमंत भक्त है, और जो श्रीमंत भक्त है परमात्मा उनको भी जब देखते हैं तब तो परमात्मा भी प्रसन्नचित होते हैं। मेरा श्रीमंत, मेरा बेटा है, श्रीमंत भक्त है मेरा। तब वामन जी ने कहा, देने वाला तो सब कुछ दे देगा मगर लेने वाले के भीतर विवेक होना आवश्यक है। अगर बिना विवेक लेने वाला विवेक छोड़ करके मांगने लगे तब तो वो जो लिया हुआ है वो उसको भी फलित नहीं होता। इसलिए मेरे में विवेक है, मुझे जितनी आवश्यकता है ना बस मैं उतना ही लूंगा। तो वामन जी बलि ने कहा, मांगो क्या चाहिए? बोले, मैं जो मांगूंगा तू दे देगा? बोले, हाँ दिया बचन, चलो मांगो क्या चाहिए। और तभी वामन जी ने कहा, त्रीणिवदा विचक्रमे विष्णुर्गोपालाभ्याः अतो धर्माणि दारयन्नः। त्रीणिपदा, मुझे तीन पैर पृथ्वी चाहिए, वो भी मेरे, तेरे तीन पैर नहीं, मेरे। वो बलि राजा विचार करने लगे कि ये बालक है, इसलिए बालक बुद्धि की जैसी बातें करता है। तीन पग बालक के, और इसको जब मैं दे दूंगा तीन पैर पृथ्वी, फिर भी ब्रह्मदेव अगर किसी को पता चला ने मेरे नगर में कि छोटे से नन्हे से इस ब्राह्मण बालक को बलि ने केवल तीन पैर ही पृथ्वी दी, वो मुझ पर हंसेंगे, इतना बड़ा बलि और ब्राह्मण बालक को बस इतना सा कुछ दिया, आपके लिए नहीं, मेरे यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मेरी बढ़े उसलिए कुछ और मांगो। वामन जी ने कहा, नहीं, मैं खड़ा रह सकूं, गायत्री मंत्र का जप कर सकूं, मैं संध्या कर सकूं, उतना ही मुझे चाहिए। और तभी वामन जी ने जिद की, अब बलि राजा तैयार हो गए। अब देर लगी बलि को आने में, इसलिए शुक्राचार्य स्वयं आ गए शिष्य के पास और देखा। जैसे ही शिष्य ने देखा, गुरु ने देखा वामन को, अब गुरु तो पहचान गए कि ये भगवान है, चाहे कितना भी रूप बदल के आए मगर गुरु की दृष्टि से ईश्वर भी नहीं बच सकता, वो जान लेता है कि ये भगवान है। तभी भगवान को देखते हुए कहा शुक्राचार्य ने, अरे यो बलि, अने त्यारे बलि ने जोई ने शुक्राचार्य ऋषि कीधु के, हे बलि, पाछो वड़ी जा। पण आया बलि राजा तो भगवान नु स्वागत करता था। अच्छा, ब्राह्मण कभी भी अपने यजमान के यहाँ जब जाते हैं, पंडित लोग, आचार्य ब्राह्मण, तब उसकी कामना यही होती है जिसके द्वार पर मैं खड़ा हूं उसका कल्याण हो। इसलिए पहला आशीर्वाद स्वस्ति, स्वस्ति ब्राह्मण ने कहा, वामन जी ने स्वस्ति। तभी बलि ने कहा, स्वागतम, मैं आपका स्वागत करता हूं। वद विभो किंदीयताम, कहो क्या दू। बलि ने कहा, वामन ने कहा, मेदिनी यानी भूमि। अच्छा, कितनी? त्यारे बलि वामन जी कीधु, त्रयम इदम, त्रण पगला, त्रयम इदम। बलि ने कहा, दत्तम दी। वामन ने कहा, गृहीतम, मैंने ली। अभी तभी शुक्राचार्य ऋषि आ गए, देखा वामन को और कहा, मा देई किसनाहा,
बलि वापिस आ जा। किम बलि के क्यों, हरि रयम तेरे सामने जो खड़ा है वो हरि है, तुझसे तेरा सब कुछ हरने के लिए हरि स्वयं आया, देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए वापिस लौट जा, मत दे वरना खुद लुट जाएगा। हरि रयम ये हरि है। और जैसे ही बलि को पता चला कि मेरे अंगना में स्वयं आज दुनिया बनाने वाला खड़ा है, अब मैं वापिस लौट नहीं सकता, अब तो लूटा वो भगवान के चरणों में सब समर्पित करने में ही मेरे परिवार को आनंद मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए। बलि की आंखों से आंसू बहने लगे, मेरे ऐसे कौन से भाग्य है कि आज मेरे यहाँ मेरे मालिक मेरा पिता आज खड़ा है। और तभी कहा, गुरुजी अब प्रतीक्षा मत करवाओ, जल्दी से संकल्प करवाओ। मैंने 3 पैर पृथ्वी मेदिनी दे दी वामन को। तभी शुक्राचार्य ने कहा, अगर गुरु की बात को न सुनेगा तो चल मेरा और तेरा नाता खत्म, आज से तू ना मेरा शिष्य है, मैं ना तेरा गुरु हूं। त्याग कर दिया शिष्य का। और जैसे ही त्याग हुआ, कहा तू श्रीहीन हो जा, तेरी जो संपत्ति है तेरा जो ऐश्वर्य है सब नाश हो जाए, चल मेरा श्राप है। और जैसे ही गुरु ने श्राप दिया, वामन जी ने बलि को कहा, बलि जी चलो मेरे पास बहुत समय नहीं है, मुझे अभी जाना है, इसलिए तुरंत 3 पैर पृथ्वी मेदिनी मुझे दे दो। बलि ने कहा, मैं तो देने के लिए तैयार हूं मगर संकल्प कराएगा कौन। कहा वामन ने, चल मैं करवाता हूं, मैंने तो 4 वेद पढ़े हैं, मैं ही वेद हूं। और तभी बलि ने कमंडल से पानी निकाला, और जैसे ही पानी निकाला, वो जो गुरु थे शुक्राचार्य ऋषि, फिर भी उसके मन में अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम था, चलो आखिर एक प्रयत्न भी किया जाए कि मेरा शिष्य सुरक्षित हो जाए। कमंडल में आ गए शुक्राचार्य ऋषि। अब पानी भीतर में आता नहीं था हाथों में। तभी भगवान ने सोचा, देने वाले को कोई कष्ट नहीं है, वो तो देने के लिए तैयार है, लेने वाला भी लेने के लिए तैयार है, ये देखने वाला जो है तकलीफ उसी को है। तो इसीलिए अपने हाथों में जो दर्भ की सुई थी वो उठाई और कमंडल में जैसे ही मारी, अब 2 आंख वाले शुक्राचार्य 1 आंख वाले हो गए, 1 आंख टूट गई फूट गई। तभी गुरु जी ने सोचा कि थोड़ी देर और में रहा तो ये जो मेरी 1 बची है ना वो भी निकल जाएगी, अब मैं आंखों से अंधा हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, दे ना सको तो कोई बात नहीं, मगर जो दे रहा है कभी भी कृपया उसका मार्ग मत रोकना, वरना शुक्राचार्य जैसी दशा हो जाएगी, अगले जन्म में अंधा बनकर आना पड़ेगा। इसलिए दान का महत्व बताया। और जैसे ही बलि राजा ने कहा कि मैं विरोचन पुत्र प्रहलाद पौत्र आज बलि इस वामन के चरणों में 3 पैर मेदिनी समर्पित करता हूं, जैसे पृथ्वी का दान संकल्प हुआ, तभी भगवान वामन में से विराट होने लगे और कहा, बलि अब देख। अने आया भागवत जी ना मंडप मा स्वयं वामन जी आवे छे, आपने सौ बेहतरी ताड़ियों थी एमने आवकार आपिए। अने शुक्राचार्य कीधु कि आ वामन वामन नथी, आ तो विराट छे ने एमाथी पाछो वामन थईने आव्यो छे, हवे वामन माथी पाछा विराट थाय એટલે। અને ખરેખર જે આ બાળક આવે છે વામન ભગવાન જ લાગે છે, અમારા મુન્નાભાઈ રાયમંગિયા એમના આજે બધા 2 હાથની તાળીઓથી આ વિષ્ણુ વામન બન કે આ ગયે, આ વિષ્ણુ વામન બન કે આવ્યા રે, હે વાલે વિષ્ણુ વામન બનિયા,
आ विष्णु वामन बन के आ गया। मर्तड़वा जो इंद्र मार वाला, मर्तड़वा भगवान का हम दर्शन करते हुए आज ज्योति माँ उनका आशीर्वाद सबको मिल रहा है, तो वामन जी के चरणों में भी वंदन करते हुए श्वेत छत्र सिर पर धरिया रे, श्वेत छत्र सिर पर धरिया रे, कर में कमंडल सार मारा वाला, कर मानु कमंडल हारू मारा वाला, कर्मा कमंडल न्यारू मारा वाला, कर्मा कमंडल न्यारू मारा वाला, विष्णु वामन बनिहालिया रे, वामन बनिहालिया रे, वामन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण वामन नारायण नारायण नारायण, 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 हे वामन नारायण नारायण नारायण, हे वामन नारायण नारायण नारायण, 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 माता जी का आशीर्वाद सभी वैष्णवों को।
बड़े भाव से ताली बजाते हुए माता जी वामन भगवान को। नारायण 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 वामन 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 नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 पितृ नारायण 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 पितृ नारायण 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 व्यास नारायण 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 व्यास नारायण 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 भक्त नारायण 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 भक्त नारायण 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 बोल नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान वामन नारायण भगवान की नर नारायण भगवान विष्णु वामन बनी आविया विष्णु वामन बनी आ वामन भगवान बहुत सुंदर अमारा मुना भाई रायमंगिया अने आपणे फरी वामन भगवान माटे बे हाथनी ताळीओ थी अने खूब खूब आशीर्वाद अभिनंदन आपीए बहु सरस अमरा मुना भाई एमनो आ सन अने भगवान वामनजीना आ स्वरूपनु आप सबे दर्शन करू आओ आजे वामन भगवानना प्रागट्यनो आ उत्सव राम जन्म आपणे लेवो तो वामन भगवान अहिया वामन जन्मनी कथा ने विराम आपी आओ हवे आपणे राम जन्ममां प्रवेश करवानो छे पण आपणे राम जन्म छे ने बराबर पोणा पांचे करीशुं 12 वागे मध्यान काले पण समयनी मर्यादामां रहीने आपणे बपोर पछीना सत्रमां राम जन्म करीशुं आओ राम ने स्मरण करी वामन भगवानना चरणमां अभी कथा को विराम देते हुए हम सायंकाल के सत्र में राम जन्म और कृष्ण जन्म का दर्शन करेंगे। आइए ज्योति माँ जो हमारे बीच हैं आज आशीर्वाद देने के लिए सभी वैष्णवों को उनका आशीर्वाद मिले और बड़ी ही आनंद की बात है बड़े ही मेरे भी लिए कि वो स्वयं द्वारका इस नगरी में पहली बार आए हैं गोमती नदी के तट पर भगवान द्वारिकाधीश के इस पावन धाम में तो पूरा द्वारिका नगर आज पावन हो गया उनके आने से माताजी का आशीर्वाद बस यूं ही सबको प्राप्त हो ऐसी भगवान भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना। आइए वाणी को शब्द को हम विराम दें